राष्ट्रीय एकता दिवस रे अरबान नक्सल और आतंकवादी को पीएम को चेतावनी कहले जे भारत को देखाइबो नाली आखि ताकु क्षमा दिया जिवनी 149तम जयंती रे सरदार पटेल को प्रधानमंत्री को श्रद्धासुमन अर्पण स्वाधीनतार सात दशक पर एक देश एक संविधान संकल्प पूरण खूब शीघ्र देश में सिविल कोड लागू नहीं प्रधानमंत्री संकेत मोदी कहले वन नेशन वन इलेक्शन पाई भी सरकार प्रतिबद्ध एक है तो सेफ है तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस रे आतंकवादी को चरम चेतावनी गुजरात केवड़िया रु आतंकवादी को टारगेट करिछंती प्रधानमंत्री मोदी जे भी भारत को नाली आखि देखाइबो ताकु क्षमा मिलिबोनी बोली कहिछंती प्रधानमंत्री नुआ भारत रे अरबान नक्सलक पई स्थान नाही सीमा लंघिले दृढ़ जवाब दिया जीव बोली खुला चेतावनी सुनाइछंती प्रधानमंत्री मोदी। और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं उन्हें देश की एकता अखर रही है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ভারতৰ গণতন্ত্ৰক অধিক সুদৃঢ় কৰিবক সেকুলাৰ চিভিল কোড দিগৰে ভাৰত আগক বঢ়ুত প্ৰধানমন্ত্ৰী বিবিধতাক একতাৰ মন্ত্ৰ কৰি ভাৰতক সাৰা বিশ্ব চকিত আখিৰে দেখুচি গোটেই দেশ গোটেই পৰিচয়ক নেই চৰ্চা লাগি ৰৈ বেলেগ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ভাৰতৰে ইউচিচি লাগু কৰিব নেকি বড় সংকেত ওৱান নেচন ওৱান টেক্স আয়ুষ্মান জৰিয়তে ওৱান নেচন ওৱান ইনচুৰেঞ্চ সাৰা দেশৰে উপলব্ধ হোৱাৰ পৰে এবে ওৱান নেচন ওৱান ইলেকচন পাই চৰকাৰৰ প্ৰয়াস জাৰি ৰৈছে। কেওডিয়াৰ আয়োজিত কাৰ্যক্ৰমৰে অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী উপস্থিত লোকক একতাৰ শপথ পাঠ কৰাইছে। স্বাধীনতাৰ সাত দশক পৰে স্বাধীনতাৰ সংকল্প পূৰা হৈছে। জম্মু কাশ্মীৰবাসী ভাৰতৰ সংবিধান আৰু লোকতন্ত্ৰক বিজয় কৰিছে মোদী। ওৱান নেচন वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेक्युलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। इसके भी मूल में सामाजिक एकता सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। एक सांगे गोटे निर्वाचन सेटा गोटे भल पदक्षेप जोटा कि आगु आमर जो रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी तांकर मैनिफेस्टो आगु भी थिला तेणु से सेटा को पूरण करिया जाउछन्ते जोटा कि बड़ स्वागत योग्य पदक्षेप काहेकि ना आम जदि एका थरके লোকসভা নির্বাচন ও আসেম্বলি নির্বাচন করে দেছে তাহলে আমার যে নির্বাচন বাবদরে যে অযথা গুড়ায় খরচ হচ্ছে সে খরচ কমি যাব। আমি কৌছে যেটা একক নাগরিক সংহিতা সেটা সংবিধান সংবিধান অনুসারে লেখা যাইছে আমার আর্টিকল যেটা ধারা 44 সংবিধানর সেথিরে সিধা সিধা ক্লিয়রলি লেখা হয়েছে যে রাষ্ট্র একক নাগরিকতা আইন প্রণয়ন করার চেষ্টা করব। পূরণ হওয়া যাচ্ছে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত সংকল্প। রাষ্ট্রীয় একতা দিবসে গুজরাট কেওড়িয়ারে লৌহ মানব সর্দার বল্লভ ভাই পটেল শ্রদ্ধাসুমন অর্পণ করা দেশবাসী এক হওয়া আহ্বান দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। 149তম জয়ন্তী স্বাধীন ভারতর প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী ও গৃহমন্ত্রী সর্দার পটেল অবদানক মনে পকাউছেন দেশবাসী। দেশৰ সুৰক্ষা একতা এবং অখণ্ডতা বজায় ৰখাই আজিৰ দিনক প্ৰতিবদ্ধতাৰ দিৱস কৈবা সহ বিকশিত ভাৰত গঠন পাই সংকল্প নেবাৰ শুভ অৱসৰ বুলি কৈছন্তি মোদী। আজাদী কে 7 দশক বাদ দেশ মে এক দেশ এক সংবিধান কা সংকল্প ভি পুৰা হুৱা হে। 70 সাল তক बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था।
मैं इसे भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत पड़ाव मानता हूं। भारत रत्न सर्दार वल्लभ भाई पटेल को जयंती को जातीय एकता दिवस भाव पालन करुछु देश। देश स्वाधीन होगा पर सबु राज्य को साथी नहीं देश को मजबूत करने को सर्दार वल्लभ भाई पटेल को निर्णायक भूमिका और अवदान को स्मरण करने को प्रतिवर्ष जन्मदिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस रूपे पालन करा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सामरिक परेड में 16 दल चमत्कार प्रदर्शन कर चित्ताकर्षक एयर शो सह डेयर डिविल शो एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होई। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।